हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल होम ब्यूटी में आप लोगों का वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को मुल्तानी मिट्टी में एक चीज़ ऐसा डालकर आप लोग को यूज करने को बताऊंगी कि जिसे यूज करके आप अपने चेहरे के पिंपल्स को रातों रात ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे लगाने से आपके पिंपल्स बिल्कुल सिकुड़ के एकदम से छोटे दिखने लगेंगे। तो पिंपल्स की प्रॉब्लम समर सीजन में ज़्यादा होती है। जिसको एक भी पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होती, उसे समर सीजन में ज़रूर ही निकल जाते हैं एक ना एक पिंपल्स। तो ये जो पिंपल्स होती है ना, वो ऑयली स्किन पर ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन ड्राई स्किन वालों को भी एक ना एक पिंपल्स हो ही जाते हैं, एकाध तो हो ही जाते हैं चेहरे पर। तो ऐसे में बिल्कुल चेहरे पर अच्छा नहीं लगता है पिंपल्स, और साथ ही दर्दनायक भी होता है, वो दर्द भी करता है, जो कि बिल्कुल भी जो है देखने में भी नहीं अच्छा लगता है। तो आज वही रेमेडी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। तो मुल्तानी मिट्टी जैसा कि आपके स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, खासकर समर सीजन में, तो ये आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, स्किन को एकदम फ्रेश रखता है, और साथ ही तरोताज़ा सा महसूस होता है, स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग भी लगता है। तो फ्रेंड्स, मुल्तानी मिट्टी के बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं जो कि आप इसे जो है यूज कर सकते हो अपने स्किन पर। तो इसमें मैंने एक छोटा चम्मच, लगभग आधा ही चम्मच मैंने यहाँ पर यूज किया है दही का। और उसके बाद सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है इसमें, मैं यूज कर रही हूँ तुलसी के पत्ते का। तो तुलसी का पत्ता जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, बैक्टीरिया को आने से रोकता है, पिंपल्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है तुलसी का पत्ता। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में तुलसी के पत्ते हैं तो आप उन्हें यूज करें, अपने पिंपल्स पर बहुत ही फायदेमंद है। फ्रेंड्स, इस तरह आप इसे जो है पेस्ट बनाकर आप उसमें आप मुल्तानी मिट्टी में ऐड कर दीजिए। तो ये रहा जो है एक सीक्रेट टिप्स, जो कि आप इसे यूज करके अपने पिंपल्स को रातों रात आप ठीक कर सकते हो। आपकी पिंपल्स सिकुड़ के छोटे हो जाएंगे इसके रस से। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं इसे रोज़ वाटर मिला रही हूँ। तो रोज़ वाटर जो होता है हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में काफ़ी अच्छा होता है, तो रोज़ वाटर में ही मैं इसे बनाऊँगी। थोड़ा सा मैंने दही यूज किया है, आप चाहे तो इसमें लेमन का भी रस यूज कर सकते हैं। अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं तो लेमन भी यूज कर सकते हैं, लेमन हमें सूट नहीं करता इसलिए मैंने लेमन का यूज नहीं किया है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप लेमन ज़रूर डालें, ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है लेमन। तो फ्रेंड्स, इस तरह का पैक आप लोग को बना लेना है, और अपने चेहरे को वॉश करके आप इसे लगाएं, लगभग जो है तब तक लगाएं जब तक ये सूख ना जाए। तो ये 7 से 8 मिनट में आपका पैक सूख जाएगा, उसके बाद आप इसे अच्छे से वॉश कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो 100% आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे, और साथ ही आपका चेहरा भी काफ़ी सॉफ्ट होगा, और उसके साथ साथ आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा। तो चेहरे को अच्छे से पहले साफ कर लेंगे, कोई भी मेकअप नहीं रखेंगे, उसके बाद अपने चेहरे पर अच्छे से चारों तरफ अप्लाई कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पर पिंपल्स हैं वहीं पर ही अप्लाई करें, आप पूरे चेहरे पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर पिंपल्स हो जाएं तो उसे फोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर का जो डस्ट होता है ना, हमारे और भी स्किन पर लग जाता है, जिसकी वजह से जो है और सारे पिंपल्स होने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर पिंपल्स हो तो कभी उसे छेड़खानी नहीं करना चाहिए, वो अगर आप छेड़खानी करोगे तो और ज़्यादा पिंपल्स निकालने की संभावना होती है। तो इस तरह आप पैक को लगाकर लगभग 15 मिनट के लिए छोड़ दें। जितने आपका पैक डिपेंड करता है, जितना गीला हो या सूखा हो, तो बहुत ज़्यादा गीला होगा तो थोड़ा लेट सूखेगा, नहीं तो 7 से 8 मिनट में अच्छे से सूख जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो काफ़ी ड्राई हो गया है, तो मेरा तो 7 से 8 मिनट में ही ड्राई हो गया है। जैसे कि मुँह ऐसा आप मुँह खोलोगे तो काफ़ी ताना ताना सा महसूस होता है। तो आप लोग के सामने ही मैं इसे रिमूव करके दिखाती हूँ पैक को। तो आप चाहे तो नेक पर भी लगा सकते हो, अगर आप नहाने से पहले लगा रहे हो, लेकिन मैंने नेक पर नहीं लगाया है क्योंकि जो है मुझे अभी इस टाइम नहाना नहीं है मैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को बेल के द्वारा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये सब बिल्कुल फ्री में है फ्रेंड्स, कोई भी पैसा नहीं है इसका लगता, तो जैसा कि आप लोग तो जानते ही होंगे। तो अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, आप लोग का सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। तो प्लीज़ आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि काफ़ी चेहरे में ग्लो आ गया है और इस तरह आप अपने पिंपल्स को भी दूर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी स्किन की केयर भी कर लोगे। इसी के साथ साथ आपके स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी और साथ ही साथ ऑयल भी कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपको बहुत ज़्यादा ऑयल की प्रॉब्लम है, तो आप मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक ज़रूर यूज करें और वो भी जो है पानी में या दूध में मिलाकर नहीं, रोज़ वाटर में मिलाकर। तो फ्रेंड्स आप लोग को मेरी रेमेडी आई होप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसे यूज ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको आपके चेहरे पर पिंपल्स की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि ड्राई स्किन वाले ना यूज करें, आप सब लोग समर सीजन में ज़रूर यूज करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ब्यूटी टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।